आज हमारे साथ एबीपी न्यूज़ पर एक बेहद खास गेस्ट है। बेहद खास अमूमन मैं कहता नहीं हूँ, लोग खास होते ज़रूर हैं, लेकिन आज जो मेहमान हमारे साथ हैं वो बेहद खास इसलिए हैं क्योंकि चंद दिनों पहले उन्होंने पूरे देश को, करोड़ों नागरिकों को खुश होने, जश्न में झूमने का मौका दिया। एक ऐसी उपलब्धि की जिससे करोड़ों लोग जो ड्रीम्स देखते हैं, जो बच्चे अपने मन में उम्मीदें पाले बैठे हैं, सपने पाले बैठे हैं, उनको रियलिटी की विंग दी। मैं बात कर रहा हूं वन एंड ओनली और अब पूरे भारतवर्ष की सभी की हाउस होल्ड नेम, दी सुपरस्टार, ओलंपियन ब्रॉन्ज मेडलिस्ट मनु भाकर एबीपी न्यूज पर। बहुत बहुत स्वागत है मनु आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर, फैंटास्टिक इंट्रो, थैंक यू। यू डिजर्व ऑल दैट। तुमने किया क्या है तुम्हें अंदाजा है? मतलब मैं तुम्हें मनु बता रहा हूँ, मैं तुम्हारा इंटरव्यू कर रहा हूँ, बट 22 साल का मेरा टेलीविजन का करियर है, जितनी तुम्हारी उम्र है, बट दिस इंटरव्यू इज नॉट एन इंटरव्यू टू मी, दिस इज लाइक अ फैन मोमेंट। आई हैव गूज बम्स, मेरे रोंगटे खड़े हैं तुमसे बात करते हुए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा मुझे ये बताओ, क्लीशे सा लगेगा मनु सुन करके मेरी जबान से, लेकिन वो जो मोमेंट था मनु जब तुम्हें ये पता चला, ये एहसास हुआ कि मैंने अपने देश के लिए ये कर दिया, ये ब्रॉन्ज मेडल तो अब मेरे पास आ गया, उस मोमेंट का एहसास बताना, करोड़ों दर्शक एबीपी न्यूज पर ये जानना चाहेंगे। सर, कोई भी एथलीट का सबसे बड़ा सपना यही होता है कि उसे ओलंपिक में अपने देश के लिए एक पदक जीतना है, और मेरा भी वही सपना रहा है हमेशा से कि मुझे अपने देश के लिए एक मेडल जीतना है ओलंपिक में। और हालांकि वो मेडल हमेशा से सपना था कि मैं गोल्ड जीतूं, पर मेरे लिए ब्रॉन्ज का मायना बहुत बहुत ज्यादा है, क्योंकि टोक्यो से यहाँ तक का सफर आसान नहीं रहा है। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, बहुत सारी समस्याएं आई, और उससे निकलकर एक नहीं दो मेडल जीतना मेरे लिए बहुत बहुत आभार की बात है, और बहुत बहुत मैं प्राइड फील करती हूँ कि मैं इतने लंबे सफर में इतना आगे बढ़ के ये मैं अपने देश के लिए कर पाई। और उस समय में मुझे आई थिंक बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी, और बहुत प्राउड फील हो रहा था कि जो भी सिचुएशन, जो भी मुश्किलें आई, उसमें मैंने गिव अप नहीं किया और बस करती रही करती रही। सो आई थिंक तो ये 22 साल की उम्र में इतना कामनेस, इतना कंपोजर लाती कहाँ से हो? मतलब तुम्हारी जगह अगर मैं होता ना मनु, तो मैं तो पागलों की तरह कूद रहा होता। मैंने देखा तुम बड़े ठहराव के साथ, बड़े आसानी से तुमने अपना पिस्टल रखा, फिर सामान को एक तरफ किया, और उसके बाद जाकर के अपने मेट्स के साथ तुमने गले लगे। तो ये कामनेस, ये कंपोजर कहाँ से लाती हो? सर, आई थिंक जब किसी का भी, जैसे मेरा करियर 8.5 साल का है अभी शूटिंग में, तो आई थिंक विद टाइम और विद सो मेनी एक्सपीरियंसेस, इतने सारे कॉम्पिटिशन खेलने के बाद ये सब तो नेचुरली अब सीख गई हूँ मैं, पर थोड़ा सा अपने आप को वैसे भी शांत रखने की कोशिश करती हूँ कि अभी खत्म नहीं हुआ है। जैसे पहला मैच मेरा हुआ, उसके बाद अभी मुझे पता था अगले दिन नेक्स्ट मैच है, तो मुझे पता था कि अगले दिन भी मैच में मुझे कोशिश करनी है अपना बेस्ट देने की। तो आई थिंक उस वजह से भी मैं काम की, और एक्सपीरियंस डेफिनेटली टॉट मी अ लॉट। अच्छा तुमको पता है अब ये तुम्हें इस बात का एहसास है, सिंक इन हुआ है कि अब तुम सिर्फ मिस्टर एंड मिसेस भाकर की बेटी नहीं रही, तुम करोड़ों भारतीयों की बेटी हो, मेरी छोटी बहन हो, मेरे जैसे जाने कितने लोग हैं, उन सब के घर की तुम सदस्य हो गई हो, ये फीलिंग कैसा लग रहा है तुम्हें? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट दे रहे हैं, और मैं चाहूंगी कि ये सपोर्ट और प्यार यूं ही बरकरार रहे, और मैं भी कोशिश करती रहूंगी कि आगे मैं यूं ही खूब मेहनत करूं और अपने देश का नाम और रोशन करूं। 22 साल पहले अगर मुझे पता होता ना, अगर पता होता कि 22 साल बाद तुम ये मैजिक क्रिएट करने वाली हो, तो तुम्हारे पापा को मैं जाकर के कहता कि मुबारक हो, ओलंपियन हुई आपके घर में, चैंपियन पैदा हुई है। आई थिंक फ्यूचर तो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है बिल्कुल भी, और 100% करेक्ट, तो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि फ्यूचर क्या रखता है। और मैं बस कोशिश करती हूँ कि जिस भी फील्ड में मैं हूँ, मैं बस अच्छे से अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करूँ। सो आई थिंक यही एक चीज़ है जो हम अपना कर्म कर सकते हैं, और आगे जो फ्यूचर में है वो बस ना ही हम जाने तो बेहतर रहेगा। मनु ये जो अपना कर्म करने की तुमने बात कही,
बड़ा डिफिकल्ट पीरियड था, थोड़ी देर पहले तुमने कहा संघर्ष बहुत करना पड़ा, टोक्यो ओलंपिक्स में जो हुआ, और विश्वास मानो हम सबका दिल टूटा था तुम्हें रोता हुआ देख करके, सबकी आंखों में आंसू आए थे, लेकिन तुमने अपने आप को उभारा कैसे? आई मीन टू रीग्रुप योर सेल्फ, दोबारा से अपने आप को इस मेंटल स्थिति में ले आना कि नहीं मैं कर दूंगी, क्योंकि मुझे याद है तुमने एक बार, मैंने देखा था ये बोलते हुए कि मैं छोड़ना चाहती हूँ, मैं छोड़ दूंगी, ये जो तुमने वापसी किया है और जो तुम अभी कह रही हो कि मैं अपने कर्म को करने में भरोसा करती हूँ, ये इंस्पिरेशन कहाँ से आया तुम्हें, कैसे अपने आप को दोबारा से तुम इसके लिए तैयार कर पाई? सर मुझे लगता है ये इस वजह से है कि मुझे अपने स्पोर्ट्स से, मुझे अपने गेम से इतना लगाव है कि जैसे टोक्यो के बाद मैं छोटा सा ब्रेक लेना चाह रही थी, बट उस ब्रेक में भी लगभग 15-20 दिन में ही मुझे इतना इतना ज्यादा अनस्टेबल महसूस होता था कि मुझे मेरी लाइफ में कुछ मिसिंग है, मुझे वापस से शूटिंग शुरू करनी है, और मुझसे रहा नहीं जा रहा था वापस शूटिंग शुरू करने के लिए। तो आई थिंक एक तो जो लगाव है उसकी वजह से है, और दूसरा मैं कभी भी नहीं जानती थी कि मैं कर दूंगी या नहीं कर दूंगी, बस एक भरोसा हम सब था जानते थे कि अगर तुम मैं कर लोगी। कोशिश करूं हो सकता, बस एक भरोसा था कि अगर मैं कोशिश करूंगी तो हो सकता है, अगर मैं गिव अप कर दूंगी तो बिल्कुल नहीं होगा, तो बेहतर है कि मैं कोशिश करूं और पूरे पूरे मन से करूं। मैंने सुना तुमने कहा था कि तुम भगवत गीता पढ़ा करती थी, तो क्या पूरा भगवत गीता पढ़ा, उसके कौन से वर्सेस थे जिससे तुमको इंस्पिरेशन मिला कि नहीं करना है, वापस आना और करके दिखाऊंगी? सर मैं अभी भी पढ़ती हूँ, और मैं अपने जैसे मेरे कोच वो बता देते हैं, मम्मी है वो बता देते हैं, और जैसे एक मेरे मेडिटेशन जो कराते हैं मुझे वो बताते हैं, तो कुछ वर्सेस वो मुझे बताते हैं रोज एक दो तीन कुछ, और उसका फिर मतलब अच्छे से बताते हैं, और वो मैं अपनी लाइफ में कैसे उसको इस्तेमाल कर सकती हूँ या ढाल सकती हूँ वो बताते हैं। तो मैंने पूरी गीता तो नहीं पढ़ी है अभी तक, बहुत समय लगेगा मुझे, मैं बहुत थोड़ा थोड़ा करके पढ़ती हूँ, और आई थिंक गीता एक ऐसी पुस्तक है जिसको आप, एक ऐसा ग्रंथ है जिसको आप एक बार पढ़ोगे फिर दोबारा जब उसको सेम चीज को पढ़ोगे तो वो कुछ अलग मतलब आपकी लाइफ में देगा, आपको अलग चीज सिखाएगा, तो आप बार बार पढ़ सकते हो। और गीता की बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे सबसे ज्यादा रिलेटेबल और सबसे ज्यादा यूजफुल लगता है, वो Like ये है what? कि Like जितना what? मैंने अभी तक पढ़ा कि आप बस अपना कर्म करते जाओ, और ये नहीं सोचो कि रिजल्ट क्या होगा, ये मत कंट्रोल करने की कोशिश मत करो कि मैं अपनी सफलता या असफलता को भी नियंत्रण में रखूंगा। सो आई थिंक एक वो चीज है कि बस अपने अपने आप पर ध्यान दो, आपकी लड़ाई किसी और से नहीं है बल्कि अपने आप से ही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।